अस्सलामुअलैकुम माई डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारा है कॉन्वोकेशन और यूनिवर्सिटी का ये 130th कॉन्वोकेशन है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं कॉन्वोकेशन की तकरीब पर, और उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि यूनिवर्सिटी की इस कॉन्वोकेशन पर हमने जो गाउन ऑफ ऑनर्स पहनने हैं वो कैसे हैं, उनमें क्या क्या इसेंशियल्स हैं, तो मैं वो लेकर आती हूँ और आपके साथ उनकी डिटेल्स शेयर करती हूँ। ड्रेसेस जो हमने पहने हुए हैं मैंने और एमन ने, वो ऑलरेडी आप मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अब बस हम अबाया पहनेंगे जो कि कॉन्वोकेशन की एक नेसेसरी एलिमेंट होता है, और रेडी हम लोग हो गए हैं। उसके बाद हम लोग निकलते हैं कॉन्वोकेशन के लिए। 8 बजे का टाइम है और टाइम पर पहुँचना इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, सो बस जल्दी जल्दी से अब रेडी होते हैं और हम निकलते हैं। चलो पर मैं अपना गाउन पहन रही हूँ जिसको अबाया फजीलत कहते हैं, और इसके आगे ये एक टाई होती है जिसकी नॉट बनानी होती है, और इसको इस तरह से पहनते हैं। और साथ ही मैंने अपना हुड या फिर सैश जिसको कहते हैं, ये हमारे से पकड़ी है और मैं इसको पहन रही हूँ। इसको हम लोग पहनते हैं लेफ़्ट साइड पर, यानी कि लेफ़्ट आर्म के ऊपर ये हाफ़ इसकी फ्रंट पर नज़र आ रही होती है, कलर पिंक कलर, और हाफ़ जो होता है वो बैक साइड पर जाता है बिल्कुल इस तरह से, और इसका कलर होता है पिंक। पिंक कलर जो है वो MS या फिर MPhil को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर एमन अपना गाउन पहन रही है, और जो एमन का ड्रेस है वो भी आपने ऑलरेडी मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो में देखा हुआ है। लाइमलाइट का ड्रेस है ये, अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अब मैं एमन को इसका, मैंने ये पकड़ाया है सैश, और मैं इसको बता रही हूँ कि इस तरह से पहनना है, और ये एमन ने अपना सैश या फिर हुड पहन लिया है। और अब हम लोग पहनने लगे हैं अपनी कैप्स या फिर हैट, जो कि कॉन्वोकेशन का एक सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है ड्रेस कोड का। और जो ये कैप है इसका ये जो पॉम पॉम है ये आता है राइट साइड पर, और सैश होती है लेफ़्ट साइड पर। ये काफ़ी अच्छे से उन्होंने हमें कल रिहर्सल में बताया है कि आपने ये इस साइड पर रखना है और सैश को आपने लेफ़्ट साइड पर रखना है। ये देखिए मैंने अपनी कैप सेट कर ली है, और कैप को सेट करने के लिए मैंने ब्लैक पिंस इसके साथ अटैच किए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेट नहीं होती यार। और एमन गलती से हमाइल वाली कैप ले आई है, क्योंकि BS और MSc के लिए ब्लैक पॉम पॉम वाली कैप होती है, और अब ये अपने वाली कैप लेकर आई है जिसका पिंक पॉम पॉम है, और अब ये कैप पहन रही है। और आई थिंक इस पॉम पॉम को कुछ और भी कहते हैं, बट मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। यहाँ पर मैं साथ साथ हमाइल को कह रही थी कि फ़ोन थोड़ा सा ऊपर कर लो, क्योंकि कैप्स नज़र नहीं आ रही थी। और अब मैंने एमन की कैप सेट करने लगी हूँ, मैं इसको कह रही थी कि तुम भी ब्लैक पिंस लगा लो, क्योंकि ब्लैक पिंस से ये सेट हो जाती है, वरना ये फ़ौरन हिल जाती है। यहाँ पर हमारी कैप्स हो गई हैं बिल्कुल सेट, और हम लोगों ने इसको पिंस से फ़िक्स कर लिया है, ब्लैक पिंस या फिर बॉबी पिंस से आप लोग इनको फ़िक्स कर सकते हैं। और अब हम लोग हो गए हैं बिल्कुल रेडी, और ये देख लें आप एमन का पूरा ड्रेस विद गाउन, इसकी लुक किस तरह की लग रही है, और ये आप लोग देख सकते हैं इसके शूज़। और ये मेरी पूरी लुक है, मैंने अपना गाउन पहन लिया है, सैश पहन ली है विद कैप, और ये मेरे शूज़ हैं जो कि मैंने अभी अभी लिए हैं कॉन्वोकेशन के लिए स्पेशल, और मैं कम्प्लीटली रेडी हूँ, बस अब हम लोग निकलने लगे हैं, सो लेट्स गो विद मी। यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर पार्किंग में हम लोग हैं, क्योंकि आज गाड़ियों को आगे नहीं जाने दे रहे फैसल ऑडिटोरियम तक, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं कॉन्वोकेशन पे। और यहाँ पर ये एक कॉर्नर है जो सेट हो रहा है कॉन्वोकेशन के लिए। ये मैंने फ़र्स्ट डे क्लिप लिया था जिस दिन हमारी रिहर्सल थी, क्योंकि कॉन्वोकेशन वाले दिन फ़ोन्स अलाउ नहीं होते इस एरिया में भी। और ये हम लोग जा रहे हैं फैसल ऑडिटोरियम तक। यहाँ पर कॉन्वोकेशन स्टार्ट हो गई है, और कॉन्वोकेशन में सब स्टूडेंट्स एकेडमिक प्रोसेशन आ रहा है उसके ऑनर में खड़े हो गए हैं, और यहाँ पर वाइस चांसलर साहब और इसके साथ साथ सारे डीन्स आए हैं हॉल में।
यहाँ पर वाइस चांसलर बाकायदा तौर पर इस तकरीब का इफ्तिताह कर रहे हैं चांसलर की हैसियत से। यहाँ पर पीएचडी कैंडिडेट्स को डिग्रीज मिल रही हैं और इसके फौरन बाद एमफिल वाले स्टूडेंट्स हैं जिनमें मैं भी शामिल हूँ, उनको मेडल्स मिल रहे हैं। फातिमा इजहार केमिस्ट्री। यहाँ पर वाइस चांसलर की एक प्रॉपर एड्रेस था जो कि वो कर रहे हैं। जी तो गाइस, कॉन्वोकेशन हमारा हो चुका है और कॉन्वोकेशन की जो हेड है वो हवा से फौरन ही पीछे चली जाती है। यहाँ पर इतने ज़्यादा सारे लोगों का रश है और मैं ज़रा इसको ठीक कर लूँ, ये मेरी फौरन उड़ के पीछे चली जाती है और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे लोगों को आज डिग्रीज मिली हैं और पीएचडी जिसमें बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी बच्चे एमफिल के हैं और कुछ बीएस के हैं। तो जी तो फ्रेंड्स, हम कॉन्वोकेशन की सेरेमनी से बाहर आ चुके हैं और आप मेरे पीछे क्राउड देख रहे हैं, ये सब लोग जो हैं ये कॉन्वोकेशन से ही बाहर आए हैं। कुछ यहाँ पर गेस्ट्स हैं, टीचर, स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स, और हमें डिग्रीज क्योंकि मिल चुकी हैं। जो स्टूडेंट्स मेडल विन करके आए हैं वो अपने मेडल्स के साथ, कुछ अच्छी और कुछ की पिक्चर्स अभी अच्छी नहीं आ रही, जो इशूज़ होते हैं हर एक को पिक्चर्स बनाते हुए तो वो पिक्चर्स बना रहे हैं। और मेरा जो गाउन है इसकी जो सैश है या इसको कहते हैं हम हुड, इसका कलर पिंक है और जो मेरी कैप की प्लूम है इसका भी कलर पिंक है, तो ये इंडिकेट करता है एमएस और एमफिल को। जी तो गाइस, पंजाब यूनिवर्सिटी का 130th कॉन्वोकेशन है ये और हम आपके सामने मौजूद हैं यहाँ पर विद आवर डिग्रीज। अब हमने कुछ फोटो सेशन अपना करना है, बस तो देखते रहिए हमारे साथ पीयू का कॉन्वोकेशन। कुछ फ़ोटोज़ और कुछ क्लिप्स आपके साथ मज़ीद शेयर करेंगे कॉन्वोकेशन के। यहाँ पर सब लोग पिक्चर्स बनाने में शदीद मसरूफ़ हैं और किसी को किसी से इस टाइम कोई कंसर्न नहीं है सवाल पिक्चर्स के, तो हम भी कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छी सी पिक्चर्स बन जाएँ और मेमोरीज कलेक्ट हो जाएँ इस इवेंट की, और आपके साथ वो पिक्चर्स और वो वीडियोज़ शेयर करेंगे जो भी हम बनाएँगे मज़ीद। और अब आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे बच्चे पिक्चर्स बना रहे हैं कैप उछाल के, जो कि बहुत फेमस पिक्चर होती है कॉन्वोकेशन की। हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि सब क्लास फेलोज यहाँ पर इकट्ठे हो जाएं और हम वो पिक्चर बना सकें। बाकी बहुत ही अच्छा, बहुत ही मेमोरेबल डे होता है ये कॉन्वोकेशन हर इंसान की लाइफ में। और बाकी ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का ये टाइम बहुत ही मज़े का था, स्पेशली एमफिल का, और सब लोग साथ थे हम लोग। और बाकी ये है कि आपको मैं सारे कॉन्वोकेशन का दिखाती रहूँगी, साथ साथ ख़त्म तो हो गई है, अब बाकी जो यहाँ पर सारे लोग हैं वो पिक्चर्स बना रहे हैं और हम भी वेट कर रहे हैं कि जल्दी से पिक्चर्स बना लें ताकि ये वाला कॉर्नर खाली हो जाए और हम लोग भी पिक्चर्स बना सकें। तो आ जाए मेरे साथ। हे गाइस, यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठे हैं, मैं, इमन और हमायल, और आज है कॉन्वोकेशन। सो कैसा फील हो रहा है तुम लोगों को? बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मौसम आज बहुत ठंडा है, दिसंबर चल रहा है 2021 का याद है। एक तो ये कैप्स ने को इतना तंग किया हुआ है ना, सीरियसली अपन थोड़ा सा कैमरा ऊपर करो ताकि हमारी कैप्स का एंगल पता चले। हमारी की कैप जो है वो क्रॉस में है, मेरी वैसे ही ऊपर ऊपर जा रही है और मैंने इसको कोई इतनी बार ठीक कर लिया है ना। और मुझे बीएस में बड़ा शौक था कि मुझे इस तरह से डिग्री मिले लाइक इस फाइल में, और आज मुझे इस फाइल में डिग्री फाइनली मिल गई है। और मुझे तो खुद भी कैप को हैंडल करना बहुत मुश्किल लग रहा है, कभी इजी हो जाती है, कभी थोड़ी सीधी हो जाती है, बट स्टिल शुक्र है मैनेज हो रही है। आयल के सर पे वैसे कैप फिर भी ठीक है, मेरी तो बिल्कुल ही ऊपर 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 जा रही होती है यार, यहाँ से लोग जा ही नहीं रहे, फटाफट से चले जाएं, हर बंदा यहाँ पे पिक्चर बना रहा है और हम लोगों ने भी बनानी है, बट रश इतना ज़्यादा है और ऊपर से साथ ही ना कि पीछे से मैनेजमेंट वाले आ गए हैं और ये फ़ौरन से जितनी मैनेजमेंट की हुई थी पौधों शौधों की वो लेके जा रहे हैं, तो इनका अलग ही शोर मचा हुआ है। और बस अब हम लोग जाते हैं और ये देख लें आप लोग मेरा मेडल। अब हम लोग बनाते हैं पिक्चर्स, आ जाएं आप लोग भी हमारे साथ वहाँ पर। यहाँ पर ये देखें लोगों का काफ़ी रश है और यहाँ पर ये वाला एक बहुत ही अच्छा सा कॉर्नर है जिस पे टू मच रश है, और यहाँ पर ये देखें लोग सारे, और सबसे ज़्यादा मसला इन्होंने डाला हुआ है। यहाँ पर ये लोग अपनी अपने पिक्चर्स बना रहे हैं और रेड कलर के जो गाउन्स हैं ये पीएचडीज के हैं, ब्लैक एमफिल बीएस एंड एमएससी के हैं, और इस तरह से ये सारा यहाँ पर है। एक ये जो ट्रैक्टर है ना ये बिल्कुल भी नहीं जा रहा यहाँ से, यहीं का यहीं है।
यहाँ पर सब स्टूडेंट्स ने रिफ्रेशमेंट खाकर जो हमें बॉक्सेस मिले थे वो नीचे फेंके हुए हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स अपनी कैप उछाल कर जो एक प्रॉपर पिक्चर होती है वो बनवा रहे हैं। अब ये जो मेरी कैप है ना बिल्कुल नहीं टिक रही, इसलिए मैंने उसको वैसे ही उतार के हाथ में पकड़ लिया है। और यहाँ पर इमन और हमारे अपनी कुछ वीडियोस वगैरह बना रही हैं। पीछे लोगों का इतना रश है, पता नहीं कब तक इनकी ये पिक्चर्स ख़त्म होनी है। मैंने वो कैप उछालने वाली पिक्चर अभी तक नहीं बनाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिला उसका। और बाकी ये है कि वैसे ना कॉन्वोकेशन में ना इनको हमारी पूरी क्लास को बुलाना चाहिए, थोड़े से बच्चों को बुलाते हैं और फिर उतना मज़ा भी नहीं आता। इसलिए ना मेरी सजेशन है कि नेक्स्ट टाइम ना कॉन्वोकेशन पे सबको बुलाएं, बेशक थोड़े थोड़े से करके डिपार्टमेंट्स की कर लिया करें बट बुलाया सबको करें, ठीक है। ये ना मेरी वाइस चांसलर जो हमारी यूनिवर्सिटी के हैं ना प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर, उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप ना कॉन्वोकेशन पे सारे स्टूडेंट्स को प्लीज़ बुलाया करें ताकि हम अपने क्लास फेलोज के साथ सब लोगों के साथ एक गेट टुगेदर कर लें, क्योंकि सब लोग पढ़ने के बाद डिस्पर्स हो जाते हैं, कहीं ना कहीं चले जाते हैं। सो ये एक रिक्वेस्ट है आपसे सर, आप प्लीज़ इसको फोकस करें। जी तो गाइस, यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन आखिरकार ख़त्म हो गई है, इख्तिताम पज़ीर हुई है। अंदर फ़ोटोज़ की बिल्कुल परमिशन नहीं थी, मोबाइल्स अलाउ नहीं थे, इसलिए वो अंदर कैमरामैन्स थे, उन्हीं से पिक्चर्स बनाई हैं। ये है मेरी डिग्री और ये है मेरा मेडल। और अब हम लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि बाकी लोग भी इकट्ठे हो जाएँ और हम लोग पिक्चर्स बना सकें। और यहाँ पर हम लोग अपनी वो वाली पिक्चर्स और वीडियोस बना रहे हैं जिसमें मैं, इमन और हमायल ये वाली कैप उछाल कर इसकी प्रॉपर हमने प्रैक्टिस की और फिर आखिरकार ये सक्सेसफुल हमारी वीडियो और पिक्चर बन गई। ये ना वो वाली जगह है जहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा लोगों का रश है, जिधर बहुत मुश्किल से पिक्चर्स भी बनी हैं। और ये इन्होंने ज़रा बनाया हुआ स्पॉट सा ताकि बच्चे पिक्चर्स ले सकें। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, टू मच किस्म का, और हर बंदा लाइन में लगा हुआ है कि यहाँ पर पिक्चर बना ले। तो आप लोगों ने कॉन्वोकेशन की थोड़ी सी सेरेमनी हमारे साथ देख ली है, बाकी के क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और ये 130th कॉन्वोकेशन है, मेरे साथ इमन और हमायल हैं साथ ही। और तो बाकी आप लोग सब इंजॉय करें और देखें यहाँ पर पिक्चर्स बनते हुए। और अगर आप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अब रिफ्रेशमेंट का टाइम है तो हम भी रिफ्रेशमेंट के लिए चलते हैं और आ जाएं आप भी हमारे साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।